भाजपा जिस तरह से देश के लोकतंत्र पर कुठारघात कर रही है और अभी चुनाव के समय ही दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल के चुनाव को एकतरफा करने का प्रयास किया है, ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत के लोकतंत्र से काफी तकलीफ है और उनका यह प्रयास है कि इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो अगली बार से वो शायद चुनाव ही ना कराए। कि जो हाथी का दांत दिखाया जा रहा है असल में भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान का हिस्सा है, वो दिखा कुछ और रहे हैं, वोट किसी और के नाम पे मांगना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा। रांची में आगामी 21 अप्रैल को आयोजित उलगुलान महारैली ऐतिहासिक होगा। इस रैली में गढ़वा से लगभग 25,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी कार्यकर्ता विभिन्न बसों, चार पहिया वाहन के माध्यम से रांची पहुंचेंगे। वहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से शनिवार को दावा किया है कि भाजपा मीठा जहर घोलकर लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रही है। यदि जनता इस बार सचेत नहीं हुई तो मतदान के अधिकार से सभी को वंचित हो जाना पड़ेगा। भाजपा इस बार सत्ता में आई तो अगली बार से चुनाव बंद कराने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इस बार सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा चुनाव से ठीक पहले बेवजह जेल में बंद कर चुनाव को एकतरफा करने का प्रयास कर रही है। साथ ही भाजपा ने ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सभी का दुरुपयोग कर अपने हित में कार्य करवा रही है। धीरज दुबे ने कहा कि भाजपा एकमात्र इसका मकसद है कि किसी भी प्रकार से हर हथकंडा अपनाकर सत्ता में बने रहना। भाजपा देश एवं देशवासियों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। भाजपा जुमलों के लिए जानी जाती है। वह नारों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि कई चुनाव में जनता उन्हें धूल चटा चुके हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने झारखंड में दावा किया था 65 पार सीटें मिली, जबकि 25 सीट। हरियाणा में दावा था 75 पार मिली 40 सीट। 2020 में दिल्ली में दावा था 45 पार मिली 8 सीट। 2021 में बंगाल में दावा था 200 पार मिली 77 सीट। तमिलनाडु में दावा था 118 पार मिली 4 सीट। 2023 में कर्नाटक में दावा था 130 पार मिली 66 सीटें। अब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा नारा लगा रही है 400 पार, परंतु 150 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली है। प्रेस वार्ता में जेएमएम के अन्य नेता कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए, भाजपा जिस तरह से देश के लोकतंत्र पर कुठारघात कर रही है और अभी चुनाव के समय ही दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल के चुनाव को एकतरफा करने का प्रयास किया है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव में अपनी बढ़त बनाने का प्रयास कर रही है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को गोपनीय करके जिस तरह से चंदा दो धंधा दो का उन्होंने खेल किया, ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत के लोकतंत्र से काफी तकलीफ है और उनका यह प्रयास है कि इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो अगली बार से वो शायद चुनाव ही ना कराए। तो हम आपके माध्यम से राज्य और देश की जनता से आग्रह कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हाथी का दांत दिखाया जा रहा है असल में भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान का हिस्सा है, वो दिखा कुछ और रहे हैं, वोट किसी और के नाम पे मांगना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। तो अभी उलगुलान रैली जो झारखंड के प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली है, उसमें गढ़वा जिला से 25,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं और पूरे झारखंड से लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं का जुटान होने जा रहा है। ये जुटान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश है, ऐलान है और ये आक्रोश को प्रदर्शित करने वाला है। तो जितने भी बड़े गठबंधन के नेता वहां पे आज एकजुट होने वाला, उसके माध्यम से एक संदेश, एक जागरण हम लोग झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के बीच करना चाहते हैं कि अभी भी समय है। अगर आप उनके हाथी के दांत वाले जो मंशा है उसको नहीं समझने का प्रयास होगा तो अगली बार से चुनाव नहीं होगा, अगली बार से कोई पार्टी को रहने नहीं देंगे। अघोषित आपातकाल के तहत जो है पूरे भारत में तानाशाही लागू कर देंगे, ऑटोक्रेसी लागू कर देंगे। तो इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, हम लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि भाजपा के मंशा को समझिए और ये जो धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर लोगों को दुर्भ्रमित कर रहे हैं उससे बाहर निकल के उनके अंदर के छुपे हुए मंशा को देखिए कि उनके सांसद, उनके कई प्रत्याशी खुले मन से बोल रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए और ये 400 का नारा देते हैं। 2019 में झारखंड में 65 पार का नारा दिए, सीट आया 25। कर्नाटक में 200 का नारा दिए, सीट आया आप जानते हैं। वैसे ही कई जगह इनको मिजोरम में इन्होंने नारा दिया, मणिपुर में नारा दिया, सभी जगह ये इनको हार का मुंह देखना पड़ा।